इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। नटराज राजो ननाद ढकान नव पंच बारम उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम शिवसूत्र जालम शिवसूत्र जालम डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाते भोला भोला डिमिक डिमिक सिंघी नाद बजावत गावत सिंघी नाद बजावत गावत लटक रही बगली झोला भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला डिमिक डिमिक फनन सो करत आरती नाग फनन सो करत आरती देव देव गतियन मोला भोला देव देव गतियन मोला भोला डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला भोला डिमिक डिमिक भ
भाल चंद्र सिर गंगा लहरे, 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 हाथ लिए भांग की गोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला, प्रेम मगन नाचे भोला, प्रेम मगन नाचे भोला। नमस्ते नमस्ते होटल टूरिस्ट प्लेस, हेलो नमस्ते नमस्ते, हेलो 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 मैडम, हियर मी, यस यस, वेलकम टू होली सिटी ऑफ बनारस, आई एम कन्नी योर फ्रेंडली टूरिस्ट गाइड। हियर शुरू होत बाटे अ जर्नी इन भोलेनाथ नगरी, अ लैंड ऑफ मिस्टेक्स। मिस्टेक्स और मिस्टिक्स? सेम सेम। The city of Sufis and Sadhus, the land of Yogas and Bhogas, Gurus and Mahagurus, Acharya and Acharins, the city of Vedas and Kama Sutras. Excuse me? No payment, no problem. Om Bhurbhuvah Swaha Adhi Devo Bhava. Okay. Thank you. Come, come, come. Sounds different city altogether. You will love it. Rikshala be! Kaha Guru? Lapa ke liya akhir? Arre, hum Lapka guide Kanni Guru hain. Kono Spider-Man se kam hai kaha? Yahan jal bheka, wahan Lapka. Arre, rok, rok, rok. Hey, license dikhao Guru. Arre, saab, inko dhakka maarne ke liye baithaya hai, saab. Arre, rikshwa kabhi kabhi ruk jata hai, sasura. Dekh nahi rahe aap, piche videshi sailani baitha hai, saab. आरा आरा महादेव, चल रहे निकल, आगे बढ़ो, चलो चलो। फोर थिंग्स आर वेरी फेमस इन बनारस, बनारस का गंगा, बनारस का पंडा, बनारस का पान और बनारस का जबान। यू विल सी फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल इन बनारस। वेयर? There everywhere, madam. Rar Mahade. Ancient yoga guru is available here, day and night. हम जान रहे हैं तुम क्यों मुस्किया रहे हो। अगर हिंदी साहित्य में एमए किया होता तो तुम्हारा भी यही हाल होता। हाँ बोलिए।
अवर रामचंद्र की जय, हंस हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। का उपाध्याय, सुना है पाणे जी फिर धर्म संसद के अध्यक्ष चुन लिए गए? अरे जिन संत महंतों को काम न धाम वही उनको आगे किए हुए हैं और हमारी उम्र डंडा दिए हुए हैं। अब साधु संतों के मुंह कौन लगे? अब पाणे पंडों को जीने नहीं देंगे। एक तरफ आरक्षण बामनों को मार रहा है, दूसरी तरफ धर्मनाथ पड़वा। अरे ऐसा न कहिए महाराज, पाणे जी धार्मिक है, विद्वान है। अरे तो विद्वान है तो क्या बामनों की ही मारेंगे है? देखा नहीं था कल काशी के संत महंत पंडो के सामने गरज गरज के कह रहे थे कि सनातन धर्म को जितना खतरा विदेशियों से नहीं है उतना स्वदेशी बामनों से है। वो देखिए कैसा गर्व से चला आ रहा है। हर हर महादेव पाणे जी। जी आर महादेव, आरा आरा महादेव। सो पे अटेंशन टू दिस अस्सी घाट, द फेमस घाट। यू नो लॉर्ड रामा, द ग्रेट रामा, द सन ऑफ दशरथा, ब्रदर ऑफ लक्ष्मणा एंड भरता, हस्बैंड ऑफ सीता हु किल्ड रावणा। हिज लाइफ स्टोरी बुक written by Tulsidasa, this ghat has finished his career here. He wrote a book of big Ramcharitmanas. So this is a ghat, holy Ganga. People come here, they take bath, remove sin from their body, so make sin, take bath in his holy water. You can see this pandas, the great pandas, sannyasi, sadhus under their umbrella. See, this panda applies चंदन टीका बिंदिया ऑन फोरहेड ऑफ जजमान क्लाइंट। आफ्टर बाथ क्लाइंट टेक कॉम एंड मिरर फ्रॉम पंडास, पंडा गिव होली गंगा जल टू देयर क्लाइंट एंड मेक देम डू गंगा पूजा। वी से हियर, जो मजा बनारस में वो पेरिस में ना फारस में। व्हाट यू एंजॉय हियर यू एंजॉय नोवेयर। नाउ सी देयर A wonderful India. Hey, Ramdulare! अरे भागो, पन्नी गुरु आए, भाग बे सौन्ने भाग। भगोट! और ये साले सार्वजनिक प्रदूषण अभियान चल रखे हैं। भगोट! एक बार मत छोड़ पड़ा। कहा तन्नी गुरु, लोगों को जीने भी नहीं दोगे? साले गंगा में पाप भी धोएंगे और पिछवाड़ा भी, और बोलेंगे जय गंगा मैया। पर चवन्नी अठन्नी लेके तुम छोड़ भी तो देते हो। मुफ्त में कौन सा काम होता है इस देश में? अरे करप्शन तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है, और तुम यहाँ बैठे बैठे क्या उखाड़ रहे हो? चलो पप्पू की दुकान पे चाय पिलाओ। हम न जाएंगे पप्पू की दुकान पर। अरे गंजेड़ी भांजेड़ी बैठक बाजों का अड्डा बन गया है वो, जिसको देखो वही राजनीति पेला है। चाय ना पिलाना है तो ना पिलाओ भोसड़ी के, लेकिन एक बात जान लो, 80 पे कहीं लोकतंत्र है तो है पप्पू की दुकान पे। इस देश में दो ही संसद है, एक दिल्ली में और दूसरी पप्पू की दुकान में। आना है तो आओ, और नहीं आना है तो हमारे एल से जाओ तुम बच्चन की दुकान पर। देख रहे हैं गुरुदेव, क्या खबर छपी है? भारतीय संस्कृति के भाजपाई चरवाहों ने ऐलान किया है कि इस बार का होली का कवि सम्मेलन नहीं होने देंगे। कहते हैं अश्लील है, फुहड़ है, गंदा है, अगर इसे करना हो तो शहर के बाहर जाओ, गंगा के उस पार जहां कोई ना सुने, अगर हुआ तो गोली चल जाएगी, लाशें बिक जाएंगी। ओ राधेश्याम पड़वा, सुन लो हमारी बात और जाके कह दो अपने संस्कृति के रक्षकों से कि जो भाषा में गाली गंदगी और न जाने क्या क्या देखते हैं,
अस्सी के लोग उन्हें चूतिया कहते हैं। और तुम लोग उल्टी गंगा बहा रहे हो हा? अरे हर हर महादेव के साथ भोंसड़ी के का नारा तो काशी का सार्वजनिक अभिवादन है भैया। आप लोगों के लिए इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? है ना, पहला जरा जोर लगाकर बोलना पड़ता है, दूसरा चाहे न चाहे अपने आप गले से फूट पड़ता है। और भोंसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो वो अस्सी की राष्ट्रभाषा है। और एक बात बताओ, बिना गाली के यहाँ प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है क्या? और सुन लो राजकिशोर, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो हमारे सामने आवे और रोक के दिखा दे होली का कवि सम्मेलन। ये गया सिंह प्राचार्य हरिश्चंद्र कॉलेज अपनी जान दे देगा लेकिन काशी के परंपरा को टूटने नहीं देगा। ए राधे श्याम, अरे धर्मनाथ पड़वा के अध्यक्ष बनने की खुशी में चलो सबको चाय पिलाओ। कौन है दुकान का मालिक? सालो बिना लाइसेंस के भांग बेचते हो? लाइसेंस? लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस दिखाओ। ये क्या? चलिए 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 बाहर निकलिए, बहुत हो गया राष्ट्र चिंतन, चलिए बाहर निकलिए, हमें दुकान को सील करनी है। कटिया बनाओ सालों को और दुकान को सील करो। हटो, हटो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। शर्मा जी, सिर देख रहे हो मेरा? खलवाट, खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं है, तुम्हारे डंडे का वार इसके ऊपर भरपूर पड़ेगा, मार सको तो मार लो, मगर भोसड़ी के शर्मा तुम काशी की परंपरा और संस्कृति को बदलना चाहते हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम हजारों हजार साल से चली आ रही काशी की संस्कृति और परंपरा को बदल सको? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने दरोगा दरोगी आए और गए, मगर काशी की संस्कृति और परंपरा कायम है और कायम रहेगी। अंग्रेजी कंबोट पर बैठकर झाड़ा करने वाले शर्मा, तुम क्या जानो कि भांग का संबंध दिव्य निपटान से है, दिव्य निपटान का संबंध तन और मन से है, तन और मन का संबंध मानव अस्तित्व से है और मानव अस्तित्व का संबंध अस्सी से है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरोगा कि तुम महाकाल के भोग को नशा कहो? इससे पहले कि ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाए, निकल लो, चलो। और सब ठीक बहनी? हाँ, राम राम। राम राम। कैसी हो सवित्रा बहनी? आओ राम दे। कहाँ से सान लिए हो इतना? सुबह सुबह काम छोड़ के तुम्हारी सेवा करें हम, हैं? जाओ जाके कपड़े पहने। अभी तक ऐसे ही खड़े हो? चलो जाओ जाके छत पे खेलो। हाँ, चलो छत पे खेलते हैं। और कहो रामदेव। का कहें सवित्रा बहनी, तुम तो देख ही रही हो महंगाई कितनी बढ़ गई है, खाने वाले पांच मुंह और कमाने वाला एक, कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है, मल्लाहों को आजकल मिलता है क्या है? घाट घाट पर सैर कराने का ठीक ठाक पैसा मांगो तो कहते हैं लूट रहे हैं तीर्थ यात्रियों को। पर विदेशी यात्री तो दिल खोल कर दे रहे हैं, मोहल्ले के मल्लाह खटिक और कर क्या रहे, लूट ही तो रहे विदेशियों को कोठरियां किराए पर दे देकर। तुम भी एक किराएदार रख लो रामदे, जैसे रामधन मल्लाह ने एक अंग्रेजन को रखा है। अरे इन अंग्रेज औरतों को तुम नहीं जानती बहना, बड़ी वो होती हैं। तो आदमी रख लो है? बहना तुम भी ना। कम बालगी चाची भीतर आए। बिल्कुल नहीं, कोई फोटो वोटो नहीं खिंचाना हमें, निकला यहाँ से। थैंक यू, वेलकमिंग यू, बट एंट्री लेटर, लेडीज बिजी इन डेली पूजा। कम आई विल शो यू मंकी गॉड टेम्पल, ब्यूटीफुल बिग वन। जब देखो घर में घुसने के बहाने ढूंढता रहता है, रास्ते में मिलो तो ऐसे कूदता है जैसे खा जाएगा हमको। क्या बात कर रही है।
पाड़े जी, सूरज चढ़ाया है पर अभी तक जजमान नहीं आया चकाचक। उपाध्याय जी, देने वाला ऊपर वाला, जजमान क्या देगा भोसड़ी के? देने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है पाड़े। भोलेनाथ को तो छोड़ो भोसड़ी के, कोई और रूप बनाओ और कमाओ। बहुत चको मत, तुम भी उसी का दिया हुआ खाते और मैं भी। कोई है यहाँ जो भोलेनाथ का रूप ना हो? चलो अब शीशा दो। अब चंदन भी दे दो। देख नहीं रहे हो गर्मी से चंदन पिघल रहा है? तो अपना सिंगार पटा साथ में लेकर चला करो, मुफ्त में थोड़े ही मिलता है चंदन। दिन रात हमारे लिंग पर चंदन लगाते रहते हो और हम साक्षात मांग रहे हैं तो दुनियादारी सिखाते हो। किसी झंडू ने हमारा सामान न चुरा लिया होता तो हम तुम्हारे घाट पर मुतते भी नहीं। नाश हो तुम्हारा। आज सुबह ही सुबह बड़ा गोला ले लियो का? चलो भागो यहाँ से। मैं काशी का आदिवासी और तू काशी का प्रवासी, कहता है भागो यहाँ से। एक दिन जब यही घुसेड़ूंगा ना तब पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, वेलकम टू काशी। नमस्ते। फोटो विद लॉर्ड शिवा? या प्लीज। कम, वेट, फोटो विद लॉर्ड शिवा 100 रुपीज, विद होली गंगा वाटर 200। कम। क्या है गुरु? हमारा यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। वो बिल्लू बम्बई जाके बच्चन के बाल काट रहा है और हम यहाँ ठेले वाले किरानियों और पंडे पुरोहितों के, और वो भी सिर्फ सोमवार को जब अस्सी चौराहे के दूसरे हेयर कटिंग सैलून बंद होते हैं। हाँ गुरु, हमें अपने साथ लगा लीजिए। अबे तुमसे कितनी बार कहें कि अपना बुरिया बिस्तर बांधो, जाकर घाट पर बैठो। हाँ। विदेशियों से मेल जोल बढ़ाओ, उनकी जरूरतों को समझो, तबे ना कुछ होगा। हाँ, अब घाट पर दाढ़ी मोज बनवाने वाले की कमी है क्या? हाँ, वो तो है गुरु। अरे तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें पप्पू की दुकान पे ढूंढ रहे थे गुरु। चलो एक एक चाय लड़ जाए। हाँ चलो चलो, जी, चलो। नमस्ते। जा रहे हैं हंस। भैया कन्नी गुरु के भरोसे हम घाट पर आकर बैठ तो गए, पर अब तुम ही सहारा हो। तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बाकी सब हम सिखा देंगे। कुछ समझे कि नहीं? हाँ। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर 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 मैम, बोट राइड, जाय राइड, मसाज सर, एनी सर्विस सर, बस मसिया मैडम, मैम आशीष मिलेगा? यस यस प्लीज। संभल के रहना, ये मोहल्ला 80 है भोसड़ी के। यहाँ शंकराचार्य को भी चुनौती दे देते हैं साले। जी भैया। चौबे जी, लहसुन प्याज मांस मछली तो नहीं खाते? जी खाना तो दूर, हम तो छूते भी नहीं। याद रखिए, इस मोहल्ले में मलेच्छों के लिए कोई जगह नहीं है। हम तो विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, शाकाहार और सदाचार यही हमारा आदर्श है। तो सौदा पक्का समझे चौबे जी? दूबे चौबे, उपाध्याय तिवारी, बाहर निकलो और देखो धर्म का कैसे नाश हो रहा है। पहले ही कहा था कि मलेशियों के लिए यहां कोई जगह नहीं। मैं तो उठाओ अपनी कोठरियां किराए पर, अब देखो गुस्सा है ना कोई विधर्मी मोहल्ले में। सुनिए जी, धर्म के मामले में तुम चुप ही रहो जी, जाओ भीतर जाओ। क्या बात है पांडे जी? क्या बात है, बुलाओ मोहल्ले के सभी ब्राह्मणों को और पूछो कि जिस मोहल्ले में कोई ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाता वहां हड्डी कहां से आई? हड्डी? भैया पांडे को राम मचा रहा है। कितनी बार तुमसे कहा कि हड्डियां दूर फेंक कर आया करो, पर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। भैया हम तो हड्डियां हमेशा अखबार में लपेट दूर ही फेंक के आते हैं, पर लगता है मोहल्ले किसी बिल्ली ने अखबार फाड़ा होगा और एक आध हड्डी चबाते चबाते यहीं गिरा गई होगी। देखता हूँ पांडे को। किसका किराएदार है, बुलाओ सभी किराएदारों को।
ऐसे विधर्मी को बाहर निकालो। कहाँ है अड्डी? ओए लौंडे, रंग मांझमा, तुम चौबे के किराएदार हो ना? हाँ पांडे जी। यादव हो ना? नहीं, ठाकुर हैं। तब तो खूब मांस मछली खाते होंगे। मांस मछली खाने वाले को हम कोठरी कैसे दे देंगे पांडे जी? तो फिर ये हड्डी कहाँ से आई? ये मुर्गे की है या चूहे की? ये चूहे की लग रही है तुमको? आप मुर्गा खाते हैं क्या? कैसी बात कर रही है लौंडा? हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या? ये सूखी लकड़ी की तरह एकदम चूहा है। ये चील, गिद्ध, बास, कौवे न जाने कहां कहां से लाते हैं, खाकर यहाँ गिराते हैं। कई बार हमने ऐसी हड्डियां यहाँ वहां देखी है। पांडे जी, चील कौवा उड़ाने के लिए मोहल्ले के किसी आदमी को बैठा दिया जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। बहुत बहुत एक बलवा मचा रहे हो। अब यहाँ चील कौवे को उड़ाने के लिए कौन बैठा रहेगा? जो चील कौवे को इस मोहल्ले में हम घुसने ही ना दे तो? चलो फुटो यहाँ से। तुम मत शुरू हो जाओ। क्यों ना शुरू हो, लड़े आप और गली मोहल्ले की पढ़ाइनों के ताने सुने हम। अरे शंकराचार्य हैं क्या आप? खुद चैन से जियो और दूसरों को चैन से जीने दो। खाने दो अगर कोई मांस मच्छी खाता है तो। मोहल्ले के ठाकुर नहीं खाते क्या? पांडे जी घर पे हैं। कोई गुमशुदा है? जी। लड़की है? जी भाग गई है एक लड़के के साथ। क्या नाम है लड़की का? जी गंगा। 10 दिनों के भीतर लड़की वापस आ जाएगी। रोज संकट मोचन का दर्शन करें। जी दक्षिणा कितनी पाले जी? जैसे जजमान की शक्ति। जजमान दे गया। सिर्फ क्या ना, मुंह खोल के मांग नहीं सकते थे क्या? क्या होता है आज के जमाने में 11 रुपए में? भोसड़ी का दक्षिणा दे गया है कि दान? रिश्वत दे गया है क्या? सावित्री सावित्री, बहुत लोग पाप करवाता है। हाँ मैं लोभी, पापी, मूर्ख और न जाने क्या क्या हूँ। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। रोम की भीड़ भाड़ और दौड़ धूप से मन उब गया है तुम्हारा। शांति की खोज में हो जी। इंडियन लिटरेचर और आर्किटेक्चर में तुम्हारा इंटरेस्ट है जी। अकेलापन पसंद है तुम्हें? हाँ कैसा ना? यूसी हाई क्लास ज्योतिषाचार। तो कैसे आना हुआ गुरु? अरे मिथिला संस्कृत पढ़ना चाहती है, थोड़ी बहुत हिंदी जानती है। देखो मिथिला, संस्कृत भाषा नहीं देववाणी है, भारत की आत्मा है। ऋषियों का सारा चिंतन संस्कृत में है, पर देखो धूर्तों, पाखंडियों, लोभियों के नगर में उसकी क्या दशा है। इसी मोहल्ले में 50 संस्कृत शिक्षण केंद्र और संस्थान हैं। संस्कृत इन 3 मंथ्स, संस्कृत इन 6 मंथ, टांग रखा है सबने, पर ना तो उन्हें व्याकरण का ज्ञान है ना भाषा का। फिलहाल कहाँ निवास है आपका? केदारघाट गंगेज लॉज में। वो तो बड़ा महंगा होगा। नहीं 150 रुपए पर डे। अरे 150 रुपए तो कुछ भी नहीं है। इसी मोहल्ले में कई विदेशी लोग रहते हैं, इन्हीं मल्ला और खटकों के यहाँ। रहने लायक कोठरी नहीं, पर 200 रुपए रोज। पर उन्हें 200 रुपए में चाय, नाश्ता और 2 वक्त का खाना भी तो मिलता है, और उसी में कपड़े की धुलाई और इस्त्री भी। तो क्या लॉज में ये सब नहीं मिलता? लॉज में कहाँ मिलता है ये सब। वहाँ तो नाश्ता बाहर, खाना बाहर, चाय बाहर, कपड़ों की धुलाई बाहर, बहुत तकलीफ है।
हम तो महीने भर से खोज रहे हैं कोठरी। वैसे आप चाहे तो मिथिला पेइंग गेस्ट भी होने के लिए तैयार है। हाँ जी। देखो मुफ्तनी, ये मोहल्ला 80 है, धर्म की धुरी है। मिथिला चाहे तो हमसे संस्कृत पढ़ सकती है, पर हमसे कोठरी की उम्मीद ना रखे। हाँ, शर्त सिर्फ इतनी है कि इन्हें अपना करेक्टर ठीक रखना होगा। बनारस इज सिटी ऑफ योगा एंड भोगा, सिटी ऑफ साइंस ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लविंग, योगाचार्य एंड भोगाचार्य, तांत्रिकाचार्य, मौनी बाबा, वन मिनट बाबा, स्लेट बाबा, रिडल बाबा एंड मेनी टाइप्स का बाबा। कैन आई मीट अ बाबा? ओह श्योर। या गुड। एक बात कहें, पंचांग पत्री के सहारे कब तक जीवन कटेगा? हमारे पिता परलोक से धारते समय यही पत्र पोथी और घाट की छतरी हमें थमा गए थे। अब हम करें तो क्या करें? पाठशाला के बाद विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाइए। कहाँ है संस्कृत पढ़ने वाले, जिनका कोई भविष्य नहीं, आगे नात ना पीछे पगा। ऐसी चार छह दीनहीन ब्राह्मण बालकों को घेर घेर कर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। मारवाड़ियों के दान और दया पर चल रही है हमारी पार्ट टाइम पाठशाला। 80 पर कितने विदेशी संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं? कौन संस्कृत पढ़ रहा है? सब साले चरस गांजा और बनारस में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 80 यूनिवर्सिटी है क्या? और कौन संस्कृत पढ़ा रहा है? सब पैसे कमा रहे हैं, सब कोठरी को किराए पर उठाने का चक्कर है। ये तो हम हल्ला किए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों का मोहल्ला बचा हुआ है। वरना 80 के हर घर में पांडे गुरु होते और अंग्रेज चेला चेली और गुरु शिष्य परंपरा के नाम पर पेला पेली। तो सड़ने दीजिए बच्चों को पालिका की पाठशाला में। किसने कहा तुमसे कि पालिका की पाठशाला में प्रतिभा नहीं होती? बड़े बड़े विद्वान और नेता पालिका की पाठशाला में पढ़े हैं। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे काहे की है गाय की खटखट, साथ तो जाना नहीं कुछ। जरा बाहर देखो, मरे जा रहे हैं 24 घंटे, सारा कुछ जुटाए जा रहे हैं, फिर भी चेहरे पर खुशी नहीं। ये नहीं है तो वो नहीं है, इसे साड़ी तो उसे फ्रॉक, इसे फीस तो उसे टिफिन, इसे टॉनिक तो उसे दवा। कुछ करो तब भी, ना करो तब भी, ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी। स्लेट बाबा, बाबा आप कैथरीन है, अमेरिकन है, इंडिया को बहुत लाइक करती है। आज का इंडिया क्या है जानना चाहते। नमस्ते। आत्मविश्वास, सीधे सीधे कुछ नहीं लिख सकते थे। इंडिया इज इन कोमा, इंडिया इज इन मेमोरी लॉस, अपनी जड़ों से कटा हुआ। अच्छा, इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम इट्स रूट्स, इंडिया इज आत्मविस्मृत। हाउ डज ही सी इंडिया अ डेकेड फ्रॉम नाउ? आज से 10 साल के बाद का इंडिया कैसा होगा बाबा? बाजार, मार्केट, फ्री मार्केट, ओपन मार्केट, व्हाट मार्केट? मुफ्त बाजार, खुला बाजार, कैसा बाजार बाबा? नारंगी, सेब, बेर, ऑरेंज, एप्पल, बेरीज, सेल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। सोचेगा कम, बोलेगा ज्यादा इंडिया। इंडिया विल थिंक लेस, स्पीक मोर। इंडिया कट ऑफ फ्रॉम इट्स रूट्स विल स्पीक मोर एंड थिंक लेस विथ ऑरेंज, एप्पल एंड बेरीज। सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः।
नचिकेता ने यम से कहा, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं। भोग मनुष्य को कमजोर करते हैं, इसलिए घोड़े, ये नाच, ये गान तुम अपने पास ही रहने दो। कहां मर रहे थे आज भी लेट? गुरुदेव, एक जगह तिरहे की पूड़ी खाने गए थे। देखो एक बात जान लो, रोज रोज ना मुंडन होगा, ना चटावन, ना तेज, ना तेरही, इसलिए अपने पर भरोसा रखो। थोड़ा संस्कृत पढ़ लिख लोगे तो आत्मज्ञान पा सकोगे, वरना एक पाव आटा, दो आलू, 5 रुपए के सीधे के लिए जजमान को ढूंढते रहना। ना साले रोज रोज ग्रह नक्षत्र खराब होंगे, ना रोज रोज जजमान आएंगे। नचिकेता से ही कुछ सीख लो। भोसड़ी का यमराज घोड़ा, हाथी, सोना, सुंदर सुंदर स्त्रियां दे रहा है, पर वो कहता है कि मुझे ज्ञान दो। कहता है ना वित्तेन तरपनियो मनुष्यः, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। और एक तुम हो कि तेरे के भोज और दक्षिणा के लिए मरे जा रहे हो। So, this is your first picnic to Banaras? No, actually second. Oh, finding peace here, moksha. No, actually finding a place here. अमेरिकन देवी घाट पर रहना चाहती है। तो ये कौन मुश्किल काम है गुरु? भोसड़ी, इतना आसान होता तो हम ही नहीं कर लिए होते। जरा पता करो, कोई बामन ठाकुर भूमियार अपनी कोठी उठाना चाहता है क्या? कमीशन में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। 80 भदैनी में कोई ऐसी गली है क्या जहाँ कूड़ा, कुत्ते और किरायेदार ना हो? पंचांग और किरायेदार ही तो पंडों का सहारा है। पर जब तक चूतड़ ना हिलाओगे, यहाँ बैठे बैठे कैसे पता करोगे किरायेदारों की कौन कमी है? यहाँ मारे मारे फिर रहे गली गली, और किराया बस इतना कि समझो मुफ्त में। और महीना हुआ नहीं कि किचकिच शुरू। बिजली का बिल हो तो किचकिच, पानी ना मिले तो किचकिच, खाली करने को कहो तो किचकिच। और ऐसे में अगर किरायेदार होशियार हुआ तो गई कोठरिया हाथ से, फिर लड़ते रहिए सारी जिंदगी मुकदमा। और कहीं वो गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, बिहार का हुआ तो कोठरी क्या, मकान भी गया हाथ से, फिर कहां से जुटाएंगे आप लाठी, डंडा, बल्लम का डासा, बाजा, बंदूक? हैं? पर हम स्वदेशी नहीं विदेशी किरायेदार के लिए पूछ रहे हैं। विदेशी? पर पूरी बाबन है, बनारस पर काम कर रही है, उठानी है तो बताए। क्या कोठरी? पागल भयो क्या, हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे दे दे? कोठरी तो है हमारे पास, पर उठाएं कैसे? तुम धर्मनाथ पड़वा को नहीं जानते का? कानी उंगली पलाश उठाए घूमते हैं, कोई अंग्रेज घर में घुसा नहीं बलवा कर देंगे एकदम। संस्कृति के रक्षकों को बुला लेंगे, फिर कोई धरना दे के बैठ जाएगा, कोई गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूबने की धमकी देगा। हाँ तो आप पांडे जी से आशीर्वाद ले लीजिए, मांगने पर भोलेनाथ क्या क्या नहीं देते, पांडे जी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अरे वो बड़ा हरामी है साला। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवशंती मृगाः, सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं घुसता, उसे शिकार करना पड़ता है उपाध्याय जी, प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होता है। क्यों रहने दें हम विदेशियों को 80 पर? अब देखिए, क्योंकि 80 की हर गली सीधे घाट पर, और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधे गंगा की ओर खुलती है। घर से बाहर कदम रखो तो गंगा, खिड़की से झांको तो गंगा, यही विदेशियों की आंख की पुतली है। और आप उन्हें ये सुख इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराया देंगे पर डे के हिसाब से। पांडे जी, 80 पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना? जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ें और जाएं। पर 80 के मल्लाह, खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं। रखें, उनकी मर्जी। उपाध्याय जी, आप भी जानते हैं जब से ये विदेशी यहाँ आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है, और अब चाहते हैं कि जो घाटों पर, होटलों में, लॉजों में हो रहा है वही अब 80 के ब्राह्मणों के घरों में भी हो। अरे तो हम कौन सा नशेड़ी गंजेड़ियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं? कल तक जो बिना गंगा स्नान किए आपके आंगन में घुसने नहीं पाते थे, वे आज बिना नहाए धोए आपके सामने बैठे पड़ रहे हैं, कल आपके चूल्हा चौकी में घुसेंगे, आपके बेटे बेटियों से मेलजोल बढ़ाएंगे, आंख बटक्का करेंगे,
उन्हें घाट पर घुमाएंगे, ना जाने कहां कहां की सैर करवाएंगे, आपको छूतिया बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे? 3 महीने में हिंदी और 6 महीने में संस्कृत, तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय भाषा होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि 80 पर हम बलवा मचाए रहते हैं, भोसड़ी के धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। खबरदार जो किसी अंग्रेज अंग्रेजन को किरायेदार रखा। पाला के पांडे जी, बाबा भोलेनाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है, देखे कैसे विदेशी जजमान भेज रहे हैं चकाचक। काम की बात करो। एक जजमान शरण चाहती है। पिछले बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आए थे? जेल? वो तो पुलिस हमें गलतफहमी में उठा लेगी थी। चरस गांजे के साथ कौन पकड़ा गया था? एक अबला अंग्रेजिन थी महाराज। सर्वात साधिके जो चरस गांजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबला थी जेल चली जाती। सो हम लोगों ने हाथ बढ़ा दिया नारी रक्षा के लिए। अब किसका कल्याण करना है? एक अमेरिकन देवी है। किसका शिकार है? अपने कन्नी गुरु का। अरे गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसड़ी के। असी में रहना है कि नहीं? जी आ गया से मना कर दिया था हमने हरामी को, पर नवुआ का साहस तो देखिए, वर्ण संकर है साला। साबुन भी नहीं लगाता ससुरा, पानी लगाकर दाढ़ी बनाता है खुद ही, ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा। अबे बनकर अपना पांडे पुराण, अब जो कुछ करना हम ही करना है। आइल गवनवा की साड़ी, उमर अब ही मोरी बारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्षमी हो चूका हमारी। ये कविता नहीं मिसाइल है, जमीन से लेकर ब्रह्मांड तक मार करने वाली। है कोई दूसरा कवि भोसड़ी के जो आकाश पाताल एक कर सके? वाह गुरु वाह। वाह गुरु, एक और हो जाए। जो पांडे जी आप जा रहे हैं? पाठशाला के लिए देरी हो रही है। नमस्कार। हम तो यही हैं, आप जब चाहें तब आइए। बालक जी गुरु, क्या बात है पांडे जी, आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्यों, मल्लाहों घटिकों के साथ विश्व कल्याण का धंधा बंद कर दिया है क्या? अब हमारी भी मजबूरी समझिए पांडे जी, अब अमेरिकन देवी 80 पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझे? बात कान खोल कर सुन लो करने, गंगा हमारे लिए रिवर नहीं, हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे, 80 के किसी ब्राह्मण घर में वो नहीं रहने पाएगी। बालाजी का कन्नी, क्या पेच लड़ा रहे थे? कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मोहल्ले में पैर धरने नहीं देंगे। अब भला सोचिए, अतिथि दुनिया के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं, हॉलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान से। किसी को तबला सीखना है, किसी को पखावा सीखना है, किसी को सितार सीखना है, तो किसी को ध्रुपद, कोई संस्कृत सीखना चाहता है, कोई हिंदी सीखना चाहता है। अब ये सभी आएंगे तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना आए? अब इनकी मदद के लिए आगे ना आए तो लूट लें सब साले पंडे, मल्ला, रिक्शा वाले, गाइड, होटल वाले सभी। और जब हम मदद करते हैं तो ये चूतिए हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्याण का धंधा कर रहे हैं। प्राणी प्राणी में भेद करेंगे लेकिन कहेंगे कि प्राणियों में सद्भावना। कन्नी गुरु, आपने मुलुक मुलुक के अंग्रेज अंग्रेज इनका नाम लिया, पर ये अमेरिका और इंग्लैंड को छोड़ दिया। अरे नाम मतलब भोसड़ी वाले का, वो तो बड़े हरामी, वो जब भी यहाँ आते हैं क्लार्क्स दी ताज दी पेरिस में रुकते हैं, 2-4 दिन गाड़ी में घूमते हैं, हवाई अड्डे से साले लौट जाते हैं, सब दिल्ली से अपना फिटपाट करके आते हैं भोसड़ी के, वो क्या जाने बना। और जो अंग्रेज अंग्रेजिन घाट पर गंजी कुर्ता लुंगी में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, फुटपाथ पर चाय पी रहे हैं, वे कौन है? मनी और मशीन से उकताए हुए भागे हुए लोग। जो बेकारी भत्ते के $1,000 के मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं, वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग हैं।
देखी है तुमने 80 घाट पर घूमने वाले अंग्रेजों की उम्र 30-35। इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन देवी देवता, तंत्र मंत्र, साधना, योग, सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी। 80 पर रहने वालों के लिए $100 कम नहीं होते महीने के। जैसे चाहे रह लो, जहां चाहो खा लो, जहां चाहो सो जाओ। $1,000 का मतलब यहां पर अमीर, पर उनके यहां क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुमकिन है वहां? लेकिन यहां उनकी सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। 80 पर रहने वाले अंग्रेज अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कचरा हैं जिस तरह हमारे समाज में गरीब। ए गया गुरु, जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। हमने तो पहले ही कहा था, जहां हर घर में शिव जी का मंदिर है वहां अंग्रेज को कौन घुसने देगा। पर आप कह रहे थे कि बावनों का ही कल्याण हो। अबे तुम्हारी कोठरी है क्या? कूड़ा। और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है? तुम लोग। हम तो चाह रहे हैं कि किसी एक अंग्रेज को बाभन ठाकुर के घर में घुसा दें, तो फिर रास्ता आसान। अरे कन्नी गुरु की बात रख लो यार, दे दो एक कोठरी। देंगे, पर रेट हर दिन का लगेगा। क्या? पेइंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर देंगे। Welcome to God's own country. Guest is God. Yeah. Come. Show you room. Thank you. Yeah. Simple living, high thinking. Message of Vedas. Hey? Yeah. Rakh de rahe. Attached toilet. Hello. Hello. It's nice. Happy? Yeah. लो गिन लो। कमीशन तो ठीक है, कैथरीन को स्टूडेंट वीजा कैसे मिलेगा? वो आप हम पर छोड़ दो गुरु, हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाढ़ी बनाते हैं 3 दिन में एक बार, उसी को हम चांपते हैं। नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी बेरोजगार बनारसी से। राष्ट्रभाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, हम तो यही सीखे हैं गुरुदेव। जब अंग्रेजन राष्ट्रभाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी? अब यही होना है, अंग्रेज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी अंग्रेजी। 2 साल पढ़ने की तैयारी हो तो उसे यूनिवर्सिटी ले आओ, डिप्लोमा में एडमिशन करवा देंगे, पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना, दूसरा कुछ ना पढ़ा देना। नहीं गुरुदेव। कैसी है तुम्हारी पेंगेस रामदेव? का बताई बहनी, वो भोसड़ी की मजा ले रही और हम सजा भुगत रहे। नौकरानी बना के रख दिया हमें, कभी ही लाओ कभी वो लाओ, कभी ही खिलाओ कभी वो पिलाओ, जैसे ये घर नहीं होटल है होटल, और लगी रहती हो नौवा के पीछे पीछे। हराम, जब देखो उसका उसमें घुसा रहता है। अरे तो अपने पति से कहो। अरे दोनों एक साथ हकते मूतते हैं, तीनों साथ साथ चरस गांजा करते हैं। है रामदेव, तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के हैं ना? अब लंगोट के पक्का होने से क्या होता है, जब कोई खुद ही अपना लहंगा उठाए जहाँ तहाँ घूमती फिरे। कई बार देखा हमने वो लहंगा उठाए लेटी रहती है और कहती है यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में, और कहाँ। मरी। संभल के रहना बहना, अंग्रेजन बड़ी वो होती है, थोड़े देंगे। लगनी लगनिया गोरी, लगनी लगनिया गोरी। It's so hot. Yes, madam. Water? Thank you. जय भुगवना कैसे चुनरी भैल बा मलीन, जय भुगवना कैसे चुनरी भैल बा मलीन।
तुम लोग गांव गांव गली गली से ईंटा भेजकर अयोध्या में मंदिर बनवाओगे। भव्य विराट। ईंटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदिर दिखा दो। क्यों पाड़े जी? मंदिर श्रद्धा से बन गए दया सिंह जी। वो तो हम देख ही रहे हैं। पहले राम को पूछता कौन था सिंघल और अडवाणी के सिवा? कितने मंदिर हैं यहाँ राम जानकी के? राम नवमी के अलावा और कहाँ है राम? देश रसातल में जाता है चला जाए, मगर आप अयोध्या जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कहाँ जाए, मंदिर कहाँ बनाए? रोम या इटली? अरे छोड़िए, देश कभी आपके एजेंडे पे था ही नहीं। आपका एजेंडा है राष्ट्रीय स्वाभिमान और गो संरक्षण। चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हैं आप लोग? तो वकील साहब, फिर आप ही बताइए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास कि रामलला वहीं जन्म लिए थे जहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं आप? क्यों राधे श्याम, कौन देगा प्रमाण पत्र? इतिहास को कटघरे में खड़ा कर सकेंगे आप? श्रीवास्तव जी, आप तो वकील हैं, सच से सफाई मांगने की आदत है आपको, कितनी बार सच को कटघरे में खड़ा करेंगे? तो जो आप कहें उसे ही सच मान लें। क्यों पाड़े जी? नहीं, पर जो आप कहें उसे हम मान लें। अरे अदालत की भी कहां मानने वाले हैं आप लोग? आस्था का फैसला अदालत कैसे करेगी भाई? देखिए देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। अरे श्री राम घर में कलह ना हो इसके लिए अयोध्या छोड़ दिए थे, लेकिन ये जन्म स्थान नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसे छोड़ दें? प्रभु श्री राम ही तो कहे हैं, जन्मी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। समझे वकील साहब, जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राधे श्याम। बहना, शिला पूजन का प्रसाद लोगी? नक्का, तू भीतर है क्या? क्या हो रहा है बे?
योग सिखा रहे थे। अंग्रेजन को कामसूत्र सिखाते हो भोसड़ी के? अब हम सिखाएंगे तुम्हें कामसूत्र। चकू को पता चला तो वो हमें मार देगा, अंग्रेजन भी जीने नहीं देगी। उन्हें पता चलने देंगे तब ना, और जो हमारी ना मानी तो हम तुम्हें जीने देंगे क्या? मोदी बात। Stop. Thanks. Thank you. मजा लेना है तो हमारे साथ चलो मैडम। ओके। हाउ मच यू टेक? आसी पहले चल बसरी के। अरे मैडम। मंडल कमीशन। हाय हाय। मंडल कमीशन। हाय हाय। बीपीसी। मुर्दाबाद। बीपीसी। मुर्दाबाद। मंडल कमीशन। हाय हाय। मंडल कमीशन। हाय हाय। बीपीसी। मुर्दाबाद। मंडल कमीशन। हाय हाय। क्या हो रहा है? अरे कॉलेज का रोज का बवाल चलता रहता है। ब्राह्मणों पे बुरा ग्रह आया है भाई। काशीराम मुआ तो पीछे पड़ा ही हुआ है, मुलायमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं। और जब भोसड़ी का विपिया हर जगह से लतियाया और दुर्दुराया जा रहा था तो इसी 80 भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा, राजर्षि राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर हैं। और जब ससुरा दिल्ली पहुंच गया तो हमारे ही उसमें डंडा कर दिया। पीएम मंडल आयोग में फंस गया और सीएम बाबरी मस्जिद में, और डीएम इन दोनों की व्यवस्था में देश भोसड़ी के जहाँ का तहाँ है। अरे देश जहाँ का तहाँ कहाँ है वकील साहब? मोहल्ले वालों को दाल खाए 2 महीने हो गए हैं, गेहूं और कोयला एक ही भाव बिक रहा है, 2.5 रुपए किलो। अब चाहे कोयला खा लो चाहे गेहूं खा लो। देश अब वामपंथी पार्टियों की ओर देख रहा है, देखिए वे क्या करते हैं। वे क्या करेंगे? अरे कम्युनिस्ट पार्टियों और डोम में को फर्क है क्या? जैसे डोम मशान पर लकड़ी वगैरह जुटाकर मुर्दे का इंतजार करता है, उसी तरह ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले, ये भी टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गिरे और कब ये मलाई काटे। वकील साहब, रजवा की नैया तो डूब गई, पर जो श्री चंद्रशेखर पीएम बन गए तो बाटी चोखा राष्ट्रीय भोजन, खो खो राष्ट्रीय खेल, सुरहाताल राष्ट्रीय कार्यालय, और भोसड़ी पीएम ऑफिस होगा। ठाकुर बुद्धि यादव बल, झंडू हो गया जनता दल, 80 के आदिवासी करो कार सेवा की तैयारी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये कहाँ हो रहा है पांडे जी? शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है, और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। राधे श्याम पांडे कार सेवकों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था में जुटे हैं। लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग्य में लिखा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब पहले घर वाले राम को अयोध्या से बाहर किए थे, अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है। तुम नया रामचरित्र लिख रहे हो क्या? प्रजा कब राम को बाहर भेजी? अरे एक वॉशरमैन के कहे राम जी सीता मैया को अयोध्या के बाहर भेज दिए थे, तो क्या राम खुद ही अयोध्या में रह गए थे? मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी। अरे और तो और, जिनके हृदय में केवल श्री राम बसते थे, ऐसे तुलसीदास को ये राम भक्ति अयोध्या के बाहर किए थे। अरे पाणा जी आप तो इतिहास जानते हैं ना। हमें बौद्धिक दे रहे हो भोसड़ी के, ना जाना मत जाओ, कौन बलजबरी कर रहा है? पर राम कहाँ रहते हैं, उन्हें कहाँ रहना चाहिए वो हमें ना सिखाओ। हर हर महादेव राम जी। हे मनोज चाय दे, लौटो। एक दिन जाना होगा जरूर।
एक दिन जाना होगा जरूर। लक्ष्मण राम अमर जो होते। सुनिए महाराज। बोल बच्चा। यहाँ क्या उखाड़ रहे हो? अयोध्या जी क्यों नहीं चले जाते? देखो अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पूड़ी कचौड़ी मिठाई मोहन भोग मिलेगा, और अगर कहीं राधेश्याम की सरकार आ गई तो जैसे स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिलती है वैसी ही पेंशन भी मिलेगी, और कहीं लाठी गोली खाकर टह बोल गए तो सारा कहीं गया नहीं। भोसड़ी के इस 80 पर दांत निपोरे गली गली घूम रहे हो, विश्वास ना हो तो पूछो राधेश्याम से। क्यों राधेश्याम? हर हर महादेव। क्या तुम भी? हम परसों कार सेवकों का एक जत्था लिए अयोध्या जा रहे हैं, 10-12 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना देना। यहाँ दान दक्षिणा सीधा आटा चावल पे जी रहे हैं और आप भंडारा खोल रहे हैं। अरे क्यों जाना है अयोध्या? घर बैठिए राम का नाम लीजिए, बनाए जिसे मंदिर बनाना है। पागल भाई हो क्या? जब देश के कोने कोने से लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम घर कैसे बैठे रहे? हो सकता है गिरफ्तारी भी देनी पड़े। गोली गंडासा भी चल सकता है। कर दीजिए हमें विधवा और बच्चों को अनाथ। खुद तो रंडवे थे ही। क्या अनप शनप बोली जा रही हो? अरे तिवारी नहीं जा रहे, उपाध्याय नहीं जा रहे, 80 के और भी लोग नहीं जा रहे, आप जरूर जाएंगे। कार सेवा का इतना ही शौक है तो घर घर जाइए, बढ़िया से राम कथा कहिए, घर घर में राम बिठाइए, कौन रोकता है? आंदोलन तो तब होगा ना। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते, और एक बात कान खोल कर सुन लो हमारी, ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है, और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। राम लला हम आएंगे, हमें सही में आएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि में काम का, राम लला हम आएंगे, मस्जिद वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मस्जिद वही बनाएंगे, बच्चा बच्चा भाजपा के काम का, राम लला हम आएंगे। तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं, भाजपा के काम का, मस्जिद वही बनाएंगे। कुछ करिए महाराज, नशा बढ़ रहा है। भांग से ज्यादा धर्म निरपेक्षता का नशा है, जल्दी नहीं उतरेगा। अयोध्या से क्या लाए तुम्हारे लिए? सबको अभय देती हुई राम और जानकी की तस्वीर। सत्य प्रसाद सिर धरियो, बोली कारी हर्षो ही भरियो, सुनसी सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुची साचा, सोबर मिली ही जाही मनु राजा, मन जाही राचे हो मिलही सोबरु सहज सुंदर सांबरु, करुणा निधान सुजान सीर सनेहु जानत रावरु, एहि भांति गौरी असीस सुनसी असहित ही हर्षियलु, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मन फिर होना क्या था? सरयू खून से लाल हो उठी, पर मस्जिद पर भगवान लहराया, चारों ओर लाठियां और गोलियां चल रही थी, पांडे जी सीना तान कर आगे बढ़ रहे थे, पर भोसड़ी वाले ने पैर पर गोली मार दी। ओहो, साले का निशाना ठीक नहीं लगा। अरे यार हद है। अरे निशाना ठीक कैसे लगता, अभी तो अस्सी की छाती पर इनका मूंग डलना बाकी है। गोली लगी है पैर में, ये नहीं कि पहले घर जाइए, घर में कोई राह देखता होगा, पप्पू की दुकान पे पहले जाएंगे, माला जरूर पहनेंगे। अब बस भी करो,
मैं तो सीधे घर आ रहा था, उन लोगों ने मुझे वहाँ रोक लिया। अब मैं अरे कौन नहीं चाहता कि गली मोहल्ले में क्रांतिकारी हो, लेकिन सब पड़ोसी के घर में चाहते हैं, अपने घर में नहीं। सोचिए गोली कहीं और लग गई होती तो ससुराब चैन से जीने ना दे गई। ओम नमः शिवाय। सवित्रा बहनी, अरे सवित्रा बहनी, तुमने सुना कि नहीं? क्या? अरे वो भोसड़ी के भाग गई। कौन? अरे वो कथरीन, बड़ी चालबाज निकली, खुद भागी तो भागी, साथ में उन नौवा नेक्रमुआ को भी ले भागी। भला हो उसका जो तुम्हारे जगुआ को नहीं ले भागी। हाँ है, लेकिन भागी कैसे? नेकवा से ब्याह करके। हाँ। 10 साल बड़ी थी नेकवा से। अच्छा, बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुम नेक्रम का। कहा बहन तुम भी ना, हम कहा रखती थी। अरे वो तो अखबार में छपा है, हरामी को हमारी पेंगे इस पे डाका डालना था। उपाध्याय जी, आपने खबर पढ़ी के नहीं? अमेरिकन देवी को बनारस में रहने का परमानेंट वीजा मिल गया। अरे नाम ना लीजिए हरामी का, यही लोग 80 को बदनाम करते हैं। अब तुम क्यों मातम कर रहे हो भोसड़ी के? हैं? तुम्हारा कौन मर गया? अबे एक ढूंढोगे चार मिल जाएंगे, तो 4 दिन में ढूंढ देंगे तुम्हें पेंगे। पर तुम उसे बनारस ना दिखाने लगना बस। पर ये दोनों भोसड़ी के गए कहां? इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। महाराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा का? मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसड़ी के, गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है। आने जी ये बताइए, ये देश कब तक राम भरोसे चलता रहेगा? जब तक राम के भरोसे है तब तक ही ठीक चलेगा। आजकल किस पार्टी में हो? आपकी बारी, अटल बिहारी। अरे पर मंदिर मस्जिद मुद्दे पर तुम तो राधेश्याम के कान चबा गए थे। डॉक्टर साहब, देश जब संकट की घड़ी में हो तो इससे उसमें या उससे इसमें आ जा सकने की गुंजाइश होनी चाहिए। ये गुंजाइश ही तो लोकतंत्र की ताकत है। चलिए अगर चाय लड़ जाए। चलिए हंसलो हंसलो, बाकी 5 साल तो रोने ही है। हाँ, तुम्हारी सरकार बन गई तो ये तो होना ही है। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। कल तक बोलते थे
काशी और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, कल को कहेंगे कि कोर्ट कचहरी, किसी चीज को नहीं मानते हम। साले कोई दीन ईमान है तुम्हारा? सलाम मियां। सलाम सलाम। सब खैरियत तो है? हाँ जी। बैठो और सुनाओ क्या हाल चाल है? हाल तो आप देख ही रहे हैं। दुकानदारी कैसी चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक ही आने बंद हो गए हो? क्यों, ग्राहक क्यों बंद हो जाएंगे? अरे इस मोहल्ले का कोई ठिकाना है? राम जन्मभूमि और शिला पूजन का तमाशा तो देखा ही है तुमने। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप, 50 साल से 80 पर हमारी दुकान है, आज तक ना कभी चोरी हुई ना लूटपाट, गाली तक नहीं दी किसी ने हमें। झूठ बोलते हैं आप, जब भी दंगा होता है तुम्हारी दुकान बंद हो जाती है, हमने खुद देखा है। वो अलग बात है, वो मोहल्ले के कारण से नहीं किसी दूसरे कारण से। पर छोड़ो ये सब। अच्छा एक बात बताओ, इस बार वोट किसे देने का विचार है? आप ही बताइए किसे दें। अरे इसमें बताने की क्या बात है, इस बार पूरा चुनाव ही सेक्युलर पर हो रहा है। सेक्युलर यानी मुस्लिम वोट? ना, सेक्युलर यानी मुसलमानों के हित पर, ईसाइयों के हित पर, हिंदू सांप्रदायिकता के विरुद्ध। मुस्लिम वोट बैंक के अलावा सेक्युलर का कोई अर्थ है? और पिछले 50 साल से आप जो ये हिंदू कार्ड भिड़ाए हुए हैं उसका क्या अर्थ है? बुरा मत मानिएगा साहब, मेरी सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में बीती है, इसी मोहल्ले के बच्चों के साथ में खेला बड़ा हुआ, यहाँ सभी लोग जानते भी हैं मुझे, रोजी रोटी भी उन्हीं से चलती है, पूरा परिवार चलता है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं वोट उसे ही दूंगा जिसे मोहल्ला देना चाहता है, लेकिन मैं वोट दे भी दूं तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा, बस तकलीफ इसी से होती है। अच्छा मियां चलता हूं, खुदा हाफिज़। चलो मियां। सुन रहे हो राधे श्याम पड़वा, ये है 6 दिसंबर की देन, जो मुसलमान नहीं थे या जिन्हें अपने मुसलमान होने का एहसास तक नहीं था वे भी मुसलमान हो गए रातों रात। मामूली से मामूली टूटा ही मस्जिद में भी लाउडस्पीकर लग गया, जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई उससे भी भोर और रात में अजान सुनाई पड़ने लगी, जो नमाज में नियमित नहीं थे वे भी नियमित हो गए। इस पूरे इलाके में हिंदू से मुसलमान हुए लोगों की कितनी बड़ी तादाद है वो ये भी जानते हैं कि हम सब एक ही घराने और एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक जमाने से वे भूमिहारों और ठाकुरों के यहाँ बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे, 30 त्योहार साथ साथ मनाते थे, एक ही खटिया मसिया पर बैठते थे, कभी फर्क नहीं मालूम पड़ता था दोनों के बीच। लेकिन चीजें बदल गई राधे श्याम पड़वा, उस घटना के बाद चीजें बदल गई। है कोई जवाब तुम्हारे पास है? अरे तुम लोग सुनो तब ना, हम लोग कहें सामाजिक समरसता और तुम लोग चिल्लाने लगते हो सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। अरे अर्थी को उठाए चल रहे लोग राम राम भी कहें तो तुम्हें सांप्रदायिकता ही सुनाई पड़ती है, तो हम क्या करें? हर हर महादेव। अरे तुम्हारे पास कोई जवाब है ये नहीं? मिठाई लाल, भीतर वकील साहब ने सांप्रदायिकता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरे रहेंगे तो गदौलिया में ही ना, ओके बात तो नहीं ना निकल जाएंगे कहीं। उपाध्याय जी क्या गुरु, आजकल आप ठीक से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तुमका ठीक से आशीर्वाद दें तो जा अगले जन्म में जाके बामन ठाकुर के घर में पैदा हो हरामी, जब नौकरी के लिए गड़गड़ाएगा ना और दादर की ठोकरे खाएगा तब पता चलेगा, समझा ना? ऐसे संगठा हमारा पान बना रखना, हम अभी आते हैं। अरे उपाध्याय तुम आशीर्वाद दे रहे थे या के श्राप? अरे हमारे मोहल्ले का मल्ला है साला, ये जो पीछे बैठी थी ना फिरंगन, पेइंग गेस्ट है, घोसड़ी का कल तक साइकिल चला रहा था, आज हमको नई बाइक चमका रहा है। हमरे पाणे जी कल्याण किए हुए हैं इनका। ये लेडी फिंगर कैसे दिया? 4 रुपया पाव। और ये काली फ्लावर? 3 रुपया पाव। और ब्रिंजोल? बैगन दिया 3 रुपया पाव। तीनों आधा आधा किलो तोल दो। ठीक है इसको दो पहले। अच्छा और ऐसा करो आधा किलो टमाटर भी दे दो। हाँ है? टमाटर 20 रुपया। अच्छा आपको क्या दूं सावित्री बहन? आधा किलो लौकी। और कुछ? बस जगुआ मल्ला को ही देखो, गोबर थी उसकी कोठरी, उधर ताकते हुए भी घिन आती थी और अब देखो कितने साफ सुथरे। और बच्चे मोहल्ले में है किसी बामन के ऐसे बच्चे?
तरह तरह के बढ़िया डिजाइन वाले पैंट शर्ट पहनते हैं। पहले रात दिन गली में लड़ाई झगड़ा और चिल्लापाव मचाए रहते थे, अब तो पढ़ते लिखते भी दिखाई देते हैं। कल कुटिया लिए जोड़ घटा रहे हैं, रंगीन टीवी देख रहे हैं, और उनकी औरतें और बेटियां इतनी गंदी कि क्या आती थी, और अब देखो दरवाजे के बाहर बैठी वो ट्रांजिस्टर सुन रही है, अंग्रेजनों की मैक्सी पहने सूप में चावल भी नहीं है। तो हम क्या करें, किसी अंग्रेज अंग्रेजन को रख रहे हैं क्या? अरे घर में रखने को कौन कह रहा है जी, अंग्रेजों को संस्कृत ना पढ़ाना हो तो मत पढ़ाइए, कथा तो कह सकते हैं, कीर्तन करिए, प्रवचन करिए, सत्यनारायण की कथा बांचिए, भागवत पढ़िए, दो पैसे कमाने का कोई रास्ता तो ढूंढिए। सावित्री, ना वितेन तर्पणीय मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। तेल बनाने वाले बिजली बेचने वाले अब सब्जी बेच रहे, पानी बेच रहे, पर उनकी प्यास नहीं बुझ रही। पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तब भी आदमी कहता है थोड़े ही दिनों में साफ हवा भी डिब्बों में बंद करके बेचेंगे भोसड़ी वाले, और कहेंगे लो यही सुख है। बेटी का ब्याह बिना पैसे के हो जाएगा, कभी सोचा इस बारे में? हर आदमी अपना भाग साथ लेकर आते हैं, हो ये वही जो राम रचे राखा, तो समझिए नहीं। आइए वकील साहब, बैठिए विपक्ष में। अरे कब तक, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्यों कॉमरेड? खंडर भाई, लाल सलाम, आप भी बैठिए श्रीवास्तव जी के साथ। हम न विपक्ष में बैठेंगे न यहाँ पप्पू की दुकान में, ये सारा चुड़को भंगेड़ी और भाजपाइयों का अड्डा हो गया। अरे कॉमरेड सुनो तो यार, खंडहर बच गए हैं, पर तेवर देखिए, 100 करोड़ की आबादी में 5 झटकुल्ली सीपीआई वाले, पर दिखाएंगे ऐसे कि जैसे ये ना हो तो देश ही ना चले। चिंता न कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे, ज्यादा दिनों तक विपक्ष की राजनीति नहीं कर पाएंगे। तुम लोग को यही समय मिलता है क्या फोन करने के लिए? कोई बार बार बाबा तुमसे मिलने आए हैं। ये बाबा कौन है भोसड़ी का? हम क्या जाने, बनारस में बाबाओं की कमी है क्या? कोई पुलिस उलिस का चक्कर तो नहीं? लगता तो नहीं, साथ में अंग्रेज चेले चपाटी भी है, मर्सिडीज में बैठा है। अच्छा ठीक है। केनी, माय माने, नेक्स्ट टाइम ऑन बोट बेबी। ओके, नमस्ते। बाबा कहाँ? परवर बाबा इज वेटिंग फॉर यू। कैसे हो कानी? भोसड़ी के नक्का तू? अरे सवित्रा बहनी, सवित्रा बहनी, अरे कहाँ हो? हम यहाँ हैं। अरे छत पर क्या चोंच लड़ा रही हो, मोहल्ले की कोई ख्याल खबर भी रखती हो? गजब हो गया बहनी, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अरे ऐसा क्या हो गया? वो अंग्रेजन लौट आई है। कौन? कथरीन। और कौन? कथरीन। हाँ, साथ में वो नहुआ भी है, वो चूतिया बाबा हो गया है, बार बार बाबा खरताल बजा के आशीर्वाद देता है, आगे पीछे चेला चाटी। बता रहा था कि 80 में पुराना वाला अखाड़ा खरीद लिया है, वहाँ योगा आश्रम बनेगा,
और वो ससरी बनारस पे दूसरी किताब लिख रही है। अच्छा है, अब विदेशी ही इतिहास लिखेंगे, भारत का और बनारस का। आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है बहना, तुमने हमें गौर से देखा तक नहीं। कैसा है, अभी अभी बनवाया है? बाबा, हमें कंप्यूटर क्लास की फीस भरनी है। बेटे क्यों सीखना है कंप्यूटर? क्या इसके पहले कंप्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या? कहां से इतना पैसा लाएं? चार फल खरीदने की तो हैसियत नहीं हमारी। मंदिर जाते हैं तो पंडित पुजारी चढ़ावे से निकालकर दो चार फल हमारे हाथ में रख देते हैं, वही तुम्हें देकर खुश हो जाते हैं। जो पढ़ रही हो वही बस है हमारे लिए। दीदी मिठाई भी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? दुकान तक टहल कर आ रहे हैं, तुम खाना खा लो। आइए आइए पांडे जी। प्रणाम। प्रणाम। आ गया गुरु। कल की देखो तो क्या था सी? कुछ था क्या? क्यों पांडे जी? पर जैसे ही प्राचीन पंडों ने काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी घोषित किया, वैसे ही देश भर के राजाओं, सामंतों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुरू कर दिए। अब जब मंदिर बन गए तो उनके बगल में कोठरियां भी बनवाई गई, ताकि ये पंडे पुरोहित इन मंदिरों में दिया बाती भी कर सकें और पूजा पाठ भी करते रहें। और ये पंडे पुरोहित अपने जजमानों के कल्याण के लिए धर्म कर्म करते रहे, अपने बच्चों को ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कृत सिखाते पढ़ाते रहे। न जमीन जायदाद की चिंता, न राशन पानी की चिंता, न कपड़े लत्ते की। इसमें एक बात और जोड़ लिए गया गुरु, इन्हीं पंडों के पूजा पाठ के भरोसे वो अपने रया पर अत्याचार और जुल्म भी करता रहा कि जो पाप करो, जितना पाप करो, इन सब के प्राश्चित का विधान हमारे पुरोहित के पास है। चाहे कोई बात करो, ये कम्युनिस्ट भोसड़ी के
अपनी फिलॉसफी पहलने से बाज नहीं आती। खैर, आजादी के पहले सब कुछ चकाचक था, हालत बिगड़ी जमींदारी खत्म होने के बाद। अरे जो अपना नहीं संभाल पा रहे थे वो पंडे पुरोहितों को क्या संभालते। सो जजमानी की कमाई बंद और इधर बनी बन है कोई आमदनी नहीं। जिंदगी भर कभी न खुद कुछ किया और न अपने बाल बच्चों को कुछ करने। अरे क्या हुआ पांडे जी, हम कुछ गलत कह गए क्या? पानी पियेंगे? क्या छुपा रहे हैं? एक महीने बाद हमारी नौकरी नहीं रहेगी। क्यों? पाठशालों का वैसे अध्यापक की जरूरत है जो संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी पढ़ा सकता हो। हमें कह दिया गया है कि हम सेवा संघ की धर्मशाला संभालना चाहें जो हमें कुछ तनख्वाह मिल सकती है। सावित्री, क्या हम अब ऐसे लायक रह गए हैं कि तीर्थ यात्रियों की तरह कंबल और कपड़ों का ध्यान रखें? पिता ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। भारत की आत्मा संस्कृत साहित्य में है, संस्कृत देववाणी है, यही सुनते पढ़े हुए हैं और जीवन भर अंग्रेजी को करयाते रहे हम। हमारे बच्चों को भी हमने अंग्रेजी से दूर रखा और आज आप इतना हताश क्यों हो रहे? बनारस में सैकड़ों संस्कृत की पाठशाला है और विदेशी भी तो संस्कृत पढ़ रहे हैं। सावित्री, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी। बार बार बाबा की एक चेली बता रही थी कि बाबा ने योग के बल से अमेरिका में अपने लिंग पर 8 किलो का अष्ट धातु का ग्लोब उठाकर दिखा दिया है? और मन से नीचे बालू में फेंक दिया। चेली ने कोई और ग्लोब देखा होगा। अरे कुछ भी कहो पर निकवा ने तो कमाल कर दिया। इंद्र जो भी 80 पर उतरता है सीधे बार बार बाबा का पता पूछता है। क्यों नहीं पूछेंगे? चरस, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर लेने वाले और किसका पता पूछेंगे? आपकी आंखें तो उस दिन खुलेंगी जब आपको पता चलेगा कि ये बाबा CIA का एजेंट है और उसका आसान तस्करी का अड्डा। रहने दीजिए गया गुरु, इतना तो हम भी जानते हैं कि बाबा योगा सिखाते हैं और उनकी बीबी किताबें लिखती है। साला ऐसा चक्कर तो कोई बनारसी ही चला सकता है। Bye.
वेदांत और साहित्य कौन पढ़ता है पांडे जी? बैलगाड़ी की युग की भाषा होकर रह गई है, किसी तरह कर्मकांड की बदौलत जिंदा है, वरना कब की मर गई होती है। मैं कर्मकांड सीख लूंगा, मैं जानता हूं। क्यों चाहिए नया डिजाइन वाला शर्ट? पुराना है तो बुरा है क्या? चरित्र आदमी को बनाता है, कपड़े नहीं। साधु सन्यासियों के अलावा अब कौन वेदांत पढ़ता है पांडे जी? और अब इस उम्र में कहां कहां नौकरी ढूंढेंगे? अरे श्री सत्यनारायण की कथा बाँचिए, जजमानों को ध्यान धर्म पूजा पाठ करवाइए, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। बाबा पानी, तुम्हारी कंप्यूटर क्लास का क्या हुआ? बाद में पढ़ लेंगे, ट्यूशन करके पैसे जमा कर लेंगे। अभी हम जिंदा हैं, कुछ करेंगे। जी बाबा। हाँ इधर आ। बड़ी हो गई है, छोटी थी तो दौड़ के मेरे सीने से अलगती थी, कब से सीने में लग गया तू? अभी तो पुराने आचार पढ़ा रहे हैं, वो नहीं रहेंगे तो बताऊंगा। तब तक आप चाहे तो एक चिट्ठी लिख दीजिए, मैं सिफारिश करूंगा आप कहीं से कुछ सहायता मिल सके। पंडित जी मरना चाह रहे हैं क्या? नौटंकी, अरे पूरा देश ही नौटंकी देखने में बिजी है भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो उपाध्याय जी? हम तो 80 पर ही रह गए, तुम तो अमेरिका पहुंच गए नेकवा। साहसे वसते लक्ष्मी, साहस नहीं करोगे तो लक्ष्मी कहां से आएगी उपाध्याय जी? देखिए मैं पूरे विश्व को आर्य बना रहा हूँ, कृणवंतो विश्वम आर्यम। जय हो। सही कह रहे हो नेकवा, अब तो यह सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, रुपया पैसा सब संबंध जोड़ देता है। पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे? अरे गए होंगे किसी जजमान के यहाँ, या कहीं देश राष्ट्र धर्म पर विचार पेल रहे होंगे, और क्या। पांडे जी, पांडे जी, किससे मिलना है? पांडे जी घर पे हैं? सब आएंगे। You'll wait on ghat, I'll join you soon। आइए, जूते यहाँ उतार दीजिए। अरे तो नेकवा तो नहीं? जी नेकवा आया है, जाओ भीतर। जीने 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 बिने च
दिखाई लगी पांडे जी। अरे ढंका तू, बैठ। कैसे आना हुआ? घाट पर गया था सबसे मिलने, आपने ही दिखाई दिए तो सोचा आप घर पे ही। आज तबीयत ठीक नहीं हमारी। आप बिल्कुल ना बदले पांडे जी। तुम तो बिल्कुल बदल गए, ये हड़ताल बड़ताल बजाकर तुम क्या बेच रहे हो? जैसे एक्टर तेल और साबुन, क्रिकेटर कपड़ा लत्ता मोटर मोबाइल, नेता देश और भूखा ईमान बेचता है, वैसे ही मैं विदेशियों को योग बेचता हूँ। कब से ये योग सीख के हरामी? कैथरीन जब इंडियन फिलॉसफी सीख रही थी तब हम अंग्रेजों की भाषा, उनकी जरूरतें, उनके सपने और उनकी फिलॉसफी सीख रहे थे। हम कम पढ़ जरूर थे पर हमने गलियों चौराहों और घाटों पर उस्तरे और कैंचियां चलाई थी, अंग्रेजों के साथ चरस गांजे का दम लगाया था। ये बात समझते हमें देर नहीं लगी कि दुनिया एक बड़ा बाजार है। पहले समाज में एक बाजार होता था, अब बाजार में एक समाज सांस ले रहा है। और कैथरीन इस बाजार को खूब समझती थी। कैथरीन के साथ हम ऋषिकेश चले गए, वहीं थोड़ा योगासन सीखा और हो गए योगाचार्य। अमेरिका पहुंचे तो एक बार्बर हो गया, बार्बर बाबा। सुखी हो पांडे जी? आज हम सफल हैं क्योंकि आज हम सुख देने वाले साधन खरीद सकते हैं। बचपन में पढ़ा था, सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ते, सारे गुण पैसे से खरीदे जा सकते हैं। जो धनवान है वो गुणवान है, जो निर्धन है वो समाज का कचरा है। यहाँ ज्ञान की उपासना करने वाला भूखा मरता है और पाखंड की पूजा होती है। देखिए मैं योग बेचता हूं और कैथरीन दुनिया को भारत क्या है समझाती है। हम पड़ोस में टीवी देखने जाए बाबूजी? जाओ जल्दी आ जाना। कन्नी बता रहा था कि आपने बनारस और सारनाथ पर किताबें लिखी हैं। जी। अब कैथी भाभी बनारस पर दूसरी किताब लिख रही हैं। उसमें एक चैप्टर 80 पर। आपसे भला अच्छा 80 को कौन जानता है। पर बनारस के बारे में आप क्या जानती हैं? सहोदर जी, आंकड़े हैं मेरे पास, रांडो सांडो और सन्यासियों के, जिनके लिए बनारस कभी प्रसिद्ध था। पिछले कुछ सालों में ही कितना अंतर आया है उनकी संख्या में। बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूंगी कि वाराणसी इज डाइंग। तो क्या चाहती हैं आप? मठ और आश्रम राणों से भरे रहें, सांस सड़क और गलियों में जहां तहां गोबर करते रहें, जो धूर्त दाढ़ी दाढ़ा बढ़ाए हुए लोगों को चूतिया बना रहे हैं उनको सन्यासी समझते रहें। आस्ते आस्ते डॉक्टर, हल्ला नहीं, नाराज क्यों हो रहे हो? वो कह रही है कि बनारस मर रहा है और आप सिर हिला रहे हैं। किसी बनारस के लिए सात समंदर पार से दौड़ लगा रहे हैं ये भोसड़ी के अंग्रेज। अरे यार कुछ तो लिहाज करो, महिला है। अरे महिला है तो क्या कपाट में बैठ के मुतेगी? समझाओ इनको। मैं जानती हूँ गालियां पाना और गालियां देना, जालू होना और जालू करना, ऐसी की संस्कृति है। नमस्ते। 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 बड़ा गंदा काम किया है तुमने। सर्वश्री दीन बंधु, बाभनों में तिवारी, ऊंट की सवारी, मैभा मैतारी, हैजा की बीमारी, कोहणा की तरकारी, लालाओं में पटवारी, और इसी कहावत में एक नाम और जोड़ लो, अमेरिकन नारी। इनका कोई भरोसा नहीं।
आप खामखा नाराज हैं अमेरिका से। जो 2,500 विदेशी हैं गलियों में, उसमें सबसे कम अमेरिकी हैं। गलियों में और सबसे कम? कुछ आपको पता भी है कि गलियों में क्या हो रहा है? धंधा, डॉलर का धंधा। आपको मालूम है कितने मकान खरीदे गए इस मोहल्ले में लोकल आदमियों के नामों से? फर्जी शादियां की गई हैं वीजा एक्सटेंशन के लिए। 20 घरों में साइबर कैफे खुले हैं अपनी सुविधा और जनसंपर्क के लिए, और इसे ही हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। वो जब तक चाहें आएं जाएं, यहां पर रहें। हमारी हैसियत ही क्या है डॉक्टर साहब? पर वे कहां हमारी गोद में आकर बैठ रहे हैं, हम ही भाग रहे हैं उनके पीछे। भाग नहीं रहे हैं, उनकी गोदी में बैठने के लिए तड़प रहे हैं। थोड़े दिनों बाद यही कहेंगे, कैसी जर्जर हो रहा है, ढह रहा है, मर रहा है, इसे हमें दे दो, हम इसे नया कर देंगे एकदम चमाचम। आज 80, कल बनारस, परसों दिल्ली, नर्सों पूरे देश को अपनी गोद में बैठा लेंगे। ये तो बाद में पता चलेगा कि हम किसकी गोद में बैठे हैं, जसोदा मैया की या पूतना की। पूंजीवाद और अमेरिका के खिलाफ आपकी जंग खत्म हो गई हो तो हम दुकान बंद कर लें। दुकान बंद करने का समय हो गया है। काशी हिल पटना हिल, काशी हिल पटना हिल, कलकत्ता हिल ला तोहरी, लचके जब कमरिया सारी, दुनिया हिल ला तोहरी, लचके जब कमरिया। कमी? अरे पा लगी पांडे जी, खुश रहो। पान खाएंगे? बात है कमी जी, कहिए। किराएदार ढूंढ रहे हैं। जीत रहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाणे जी, वो कोई हरामी आपके दरवाजे पर बोर्ड लगा गया है। वो हम लगाए हैं। हम? आप लगाए हैं? अरे दुनिया ग्लोबल विलेज हो रही है और हम 80 को ही दुनिया समझ रहे हैं। अब अगर हम परंपरा नहीं आगे बढ़ाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो बढ़ा ही रही है। हम गलत कह रहे हैं तो बताइए। यू सी ग्रेट पंडित व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य, भिष्गाचार्य, वेदाचार्य, मेनी आचार्यास, व्हाट अंडरस्टैंड, फार्मिस्ट आल्सो, हिंदी इन 27 डेज, संस्कृत इन 6 मंथ ओनली। यस आचार्य जी, आचार्य जी, पालकी चाची। कहां कहां से फांस लाता है रे नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। चुपके से किसको यहां से, नहीं तो किस दिन मुंह झोंस देंगे। आचार्य एंड हिज वाइफ। नमस्ते। भाग यहां से भूसरी की। शी इज वेलकमिंग यू। थैंक यू, थैंक यू। पांडे जी बुलाए। कौन है सावित्री? C'est super। देवी जी मादलेन है, फ्रेंच है। न ठीक से इंग्लिश जानती है ना हिंदी। yes, yes. साथ में शब्दकोश लेकर चलती हैं। यहाँ का रेट तो तुम्हें पता होगा कन्या। जी गुरु। तो गुरु ये सौदा पक्का समझो। हाँ Very lucky.
क्यों आई थी वो अंग्रेजन उस लफंगा लुच्चा के साथ? संस्कृत पढ़ना चाहती है। और रहेगी कहाँ? इसी घर में। थूक कर चाटते शर्म नहीं आती आपको? कल तक आप ही घूम घूम कर मोहल्ले में इन अंग्रेज अंग्रेजनों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं है, छाड़ा फिरते हैं तो कागज से पोंछ कर फेंक देते हैं। आप ही ने बताया था ना उस इटली वाले अंग्रेजन के बारे में, कुलटा कुलच्छिनी चरित्रहीन और न जाने क्या क्या कहते थे कि नहीं। और उस दुबे का मकान तो बड़ा था, तो क्यों आसमान सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाहता था? वो तो बाल बच्चे वाला भी था, बीवी भी थी उसके साथ। तब मोहल्ले के लड़के लड़कियां खराब हो रहे थे, भरम भ्रष्ट हो रहा था, और अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चले यहाँ से। खबरदार जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया था, जीने ना देंगे हम। एक बात पूछे, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से? हो रही है ना, और क्यों ना होगी? अब भी रह गए हो किसी औरत के काम के? हमारे बाप अस्पताल में मर ना रहे होते तो आप ही एक मरद नहीं बचे थे हमारे भाग में। मर नहीं रहे थे हम अपने से उम्र में 15 साल बड़े रणवे से शादी के लिए। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? परेशान अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए हो रहे हैं। और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं? देखिए कभी जगुआ की औरत की साड़ी, और अपनी देखो, अपना कान नाक गला कलाई देखो। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनो, गहने पहनो, बेबी कायदे से लिखे पढ़े, अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर मिले, ससुराल जाए तो सास ताने ना मारे, संस्कृत लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोग ही लिया है। अब क्या चाहती है, बेटे भी घाट पर बैठे? आज तक आपने समझौता नहीं किया तो अब ये सब क्यों? रोटी का चक्का जब कुचलता है ना तो सबसे पहले मूल सिद्धार्थ कुचले जाते हैं सावित्री, गरीबी सब कुछ रोन देती है। हम अपनी जरूरतें बढ़ाने के बजाय कम भी तो कर सकते हैं। कौन हो तुम और क्या कम करोगी? क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? अपनी कौन सी जरूरतें कम करोगी? आज शाम को कन्नी आ रहा है खाने पर, खूब खिलाना पिलाना उसे। नीति यही कहती है यदि वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर रुकने वाला नहीं, कुछ समझी या नहीं? प्रियो मंदो योगश माधव विनीते, यम ने नचिकेता से कहा, नचिकेता जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो, इसलिए समझदार अच्छा लगने वाले सुख देने वाले रास्ते के बजाय श्रेय के रास्ते को सच के रास्ते को चुनता है। मोमबत्त तोड़ो, आज का मत देखो, कल की सोचो। एक अंग्रेजन को घर में रखना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसे रख दीजिए उपाध्याय या दुबे के घर में, वो चाहते भी रहे हैं, बस पढ़ने आ जाया करें यहाँ। चूतिया हैं हम, हर महीने अपनी जेब से 15,000 रुपए उन्हें दिया करें फालतू में। 15,000? 15,000 रुपए जोड़ो जरा, एक दिन का किराया 500 रुपए तो 30 दिन के कितने हुए? और वो मेरे हिस्से का किराया है, यहाँ रहेगी तो किसके हुए? 200 नहीं 150 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से ट्यूशन के भी जोड़ लो, कितने हुए? 4,500। 4,500 में 500 करनी के निकाल दो और उसमें 15,000 किराए के जोड़ लो, तो कितने हुए? 19,000।
और तुम चाहती हो हम सिर्फ 4,000 अपने पास रखें और 15,000 उपाधियां या दुबे को दे दें। हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? एक बात और जान लो, जरूरी नहीं कि वो 6 महीने ही रहे। यदि वो खुश होगी हमारे तुम्हारे व्यवहार से तो 1-1.5 साल के लिए भी उठा सकती है कोठरी। और वो चली भी गई तो सीजन में 1,000-1,500 रुपया भी किराया मिल सकता है हर दिन के हिसाब से। बोल रहा था कन्नी है, लेकिन कोठरी है कहाँ? 2 ही तो कोठरियाँ हैं, तो फिर वो रहेगी कहाँ? छत पर। छत पर? तो क्या आंगन और बैठक से होकर आएगी जाएगी? और छत पर है क्या जहाँ रहेगी? तुम चिंता मत करो, मैंने कन्नी से बात कर ली है। 3 महीने का एडवांस लेंगे और महीने भर में कोठरी तैयार करवा लेंगे। अरे कोठरी तो तैयार करवा लोगे, लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे? तुम तो बड़ी अजीब औरत हो, ना चैन से जियोगी ना रहने दोगी। जय श्री राम। अरे आओ भाई कन्नी आओ। पालागी चाचा, पालागी चाची। जाइए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाइए संकट मोचन हनुमान जी को, और कल सुबह ईटा सीमेंट बालू गिरवा दीजिए और काम शुरू करवा दीजिए कोठरी का। कल शाम को एडवांस दे रहा हूँ। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कन्नी, पर उसे कह देना कि बहुत जल्द ना मचाए। हमने पंचांग देख लिया है, दिशा मुहूर्त सब समझ लिया है। छत पर जो कोठरी बनाएंगे उसका मुंह पूर्व की ओर होगा, गंगा की ओर। तीनों तरफ खिड़की होगी, जहां से देखो वहां से बनारस दिखाई देगा। कोशिश यही करेंगे कि महीने भर में तैयार हो जाए कोठरी। महीना? 7-8 दिन के काम के लिए महीना? 7-8 दिन में अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ कोठरी कैसे बनेगी कन्नी? हम आपको बताते हैं। देखिए, इस कोठरी में तो कुछ करना नहीं है, बनी बनाई है। बस एक लैट्रिन बाथरूम अटैच कर देना। ये जो बगल वाली छोटी कोठरी है उसमें नल लगवा दीजिए, फुहारा लगवा दीजिए, अंग्रेजी स्टाइल का गमला लगवा दीजिए, तौलिया उलिया टांगने के लिए टॉवल रॉड लगवा दीजिए, शिवर लाइन तो बाहर से गई है बस उसमें कनेक्ट करवा दीजिए। अब कितने दिन लगेंगे इसमें? कैसी बात कर रहे हो कन्नी, ये कोठरी नहीं महादेव जी का घर है। हम यहाँ पूजा करते हैं रोज, गली से गुजरने वाले भी जल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। अरे पांडे जी, शिव जी कोई राम लला तो है नहीं कि जहाँ थे वहीं रहेंगे, टस से मस नहीं होंगे। अरे वो ठहरे घुमंतू देवता, अपने मन के राजा, साथ में नंदी है, कभी कैलाश पर तो कभी काशी में, आज कोठरी में तो कल छत पर जा बैठे। आप क्या कर लेंगे उनका? अगर हम गलत हैं तो कहिए। ए कनिया, कान खोल के सुन लो हमारी बात। काशी के हर घर के बाबा हैं महादेव, घर के मुखिया, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे, उसके लिए तुमसे नहीं पूछेंगे। अरे चच्ची, अरे हम आप ही का भला सोच रहे हैं, जरा सोचिए। बेड टी, मॉर्निंग टी, आफ्टरनून टी, इवनिंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, न जाने कितनी जरूरतें। अरे कितनी बार आप सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ेंगे, अब आप यही करेंगे क्या? वो सब हम कर लेंगे, सारा कुछ हम कर लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पांडे जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था अपनी जुबान से, लेकिन सुनिए अब आप। ये आप देख रहे हैं गंगा की ओर खुलने वाली खिड़की, मादलेन रोजाना 500 रुपया इसी खिड़की का दे रही है, ना कि आपके कोठरी के, ना ही आपके दाल रोटी के। बस उसकी इतनी इच्छा है कि कमरे के साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम हो। तो आपको क्या परेशानी है उस कोठरी को टॉयलेट बनवाने में? खैर, आप ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मेरा गोत्र आपसे ऊंचा ही है, सांडिल्य गोत्र। आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र सब पढ़े हैं, जरा सोचिए, महादेव जी के बगल के कमरे में कोई विधर्मी रहे तो क्या उनको बर्दाश्त होगा? अरे वो खुद ही वहां से भाग खड़े होंगे। खैर, मेरा धर्म था कि आपके भले की बात करूं, अब आप जाने, आपका काम जाने, सोचिएगा। मैं आऊंगा कल मादलेन के साथ शाम को, 3 महीने के एडवांस के साथ। जय श्री राम। सावित्री, तुम चिंता मत करो, हम कनी का कमीशन बढ़ा देंगे। बस
सावित्री, मादलेन के लिए नींबू की चाय बना देना। सावित्री, मादलेन के लिए पानी तो गर्म कर दो। सावित्री, मादलेन आ रही है, फटाफट झाड़ू पोछा कर लो। सावित्री, मादलेन ट्यूशन से उठ रही है, चाय पिएगी। नाश्ते में क्या दे रहे सावित्री? मादलेन कल सारनाथ गई थी, आज रामनगर जाएंगी, लंच थोड़ा पहले करेगी मादलेन। लंच में क्या लेंगी मैडम? रोज रोज वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही भात। नहीं यार सावित्री, कभी चेंज भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल। क्यों ना हरे मटर की भरी पूड़ियां बने, पूड़ियां, गोभी की सब्जी, चटनी। गुड नाइट को संस्कृत में कहेंगे शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जरा बिस्तर उस्तर देख लेना, चादर गंदी होगी हो तो बदल देना। हाँ देखा, तांबे के लोटे में पानी रखना ना भूलना, माधुरी को अच्छा लगे। धन्यवाद सावित्री। मादलेन को दूध के साथ बादाम भी देना। यही बोले बाबा जी। और सवित्रा बहनी कैसी हो? हो गया झाड़ू पोछा? कैसी है तुम्हारी पेंगेस? अपना अंगिया जांगिया खुद ही धोती है कि तुम धोती हो? भाग यहाँ से भोसड़ी की। अरे दैया देखो नखरा। अंग्रेजन को घर में घुसने नहीं दूंगी। पाणे, अबे धर्मनाथ, कहां अबे गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे? हे पाणे, निकल बाहर कोठरी से। चूतिए, मैंने बहुत बर्दाश्त किया रे। जहाँ तूने मुझे रखा है वो मंदिर है या माचिस? हिमालय की ऊंचाइयों पे रहने वाला मैं, खुले आकाश में जहाँ साफ हवा है, ठंडी ठंडी बयार, और तूने साले मुझे यहाँ बिठा रखा है जमीन पर, नाली के पास जिसमें गुमुद बहता है। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे डिब्बा डिब्बी में बंद करने की? दम घुटता है मेरा उस काल कोठरी में। अगर अपनी खैर चाहता है तो ले चल मुझे अभी इसी क्षण छत पर, खुले आकाश में, जहाँ धूप है, बारिश है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं और नक्षत्र हैं। उठ और ले चल इसी क्षण। बाबा, हिम्मत नहीं बढ़ रही हमारी, लोग क्या कहेंगे? भोसड़ी के, तू मेरी सुनेगा कि लोगों की? देख रहा है ये तीसरी आंख? बाबा यार, इसलिए लग रहा है कि वो एक अंग्रेजन है। चूतिए, तूने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब पढ़ा, पर मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मैंने प्राणियों की सृष्टि की है, हिंदुओं की, ईसाइयों की, मुसलमानों की नहीं, ये तूने बनाए हैं। जा समझा मोहल्ले को, अब उठ ले चल जल्द। पाणे जी, अरे पाणे जी, का हो रहा है महाराज? ये ईट, बालू, सीमेंट, ये सब का है? क्या बताएं उपाध्याय जी, कल रात शिवजी हमारे सपने में आए, गुस्से में थे, कह रहे थे यहाँ कोठरी में हमारा दम घुटता है, हमें छत पर खुले आकाश में ले चलो, जहाँ खुली हवा है, चांद है, तारे हैं, सूर्य है। अरे तो चमत्कार हो गया पाणे जी,
शिव जी हमको कितने दिन से कह रहे हैं, अरे तू मनुष्यों के रहने की चिंता कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। पर हम तो आपके डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे ना। अब शिव जी ने आपको आदेश दे दिया, चलिए हो गया फैसला। अरे तिवारी, शुक्ल, चतुर्वेदी, अबे दुबे, चौबे, कहाँ हो बे, सबके सब बाहर आओ। अरे चमत्कार हुआ है, चमत्कार, 80 का सपना साकार हुआ है, 80 का दिन फिरने वाले हैं भैया। हर हर महादेव पांडित जी। पांडित जी गजब हो गया, महीनों से हमें शिव जी कह रहे हैं कि चौबे हमें किसी पेड़ के नीचे बिठाओ, यहाँ बहुत बू आती है, पर हम मान ही नहीं रहे थे। लेकिन अब प्रायश्चित के लिए आज ही हम अखंड हरि कीर्तन रख रहे हैं, जरूर आइएगा। अच्छा अब चलते हैं, औरों को भी बताना है। जय राम जी की। आश्चर्य पांडित जी आश्चर्य, 2 दिन पहले ही शिव जी हमें सपने में कह रहे थे कि अबे तिवारी हमें घाट पर कहीं गंगा के नजदीक बिठाओ। अब पर हम सपने पर कैसे यकीन करते, पर अब हम क्या कहें। इसीलिए कल ही हम रामचरितमानस का अखंड पाठ रखेंगे और शिव जी को उठाएंगे। प्रसाद लेने जरूर आइएगा। जय राम जी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी को कोई सपना नहीं आया, पर कल सुबह तक पूरा 80 सपना देख चुका होगा। जाइए, रोकिए उन्हें, वरना हर घर से हमारे बाबा बेघर होंगे। सावित्री, पंडित जी, शिवलिंग हटाते वक्त टूट गया है। पाणे जी, भैया चलो हटाओ ना। अरे पाणे जी, आपने पंचांग देखा क्या? कल सौभाग्य योग है, हम तो सोच रहे हैं कल ही गाजे बाजे के साथ शिवजी को चौराहे पर बैठा देंगे। आपने कौन सा मुहूर्त निकाला है? बात है, अरे शिवजी उठाते। ए भाई, क्या कर रहे हो यार? जाओ जाके अपना काम करो ना। हाँ, अरे पाणे जी, अब दुखी हो रहे हैं? खुशियां मनाइए खुशियां, शिवजी कृपा कर रहे हैं आप पर, वे स्वयं आपके घर से जा रहे हैं। आप तो गाजे बाजे के साथ उन्हें भेजने की तैयारी करिए और मित्रों को बुलाइए, फिर भंडारा करिए, उत्सव मनाइए और चढ़ाइए फिर एक कोठरी ऊपर बना करके राय पर। उपाध्याय जी, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, कोई भंडारा नहीं करेंगे, जाइए आप यहाँ से। चलिए, धर्म संसद बैठी है, सभी को बुलाया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई तिवारी, तिवारी, क्या बात है उपाध्याय? अरे जल्दी चलो, वहाँ धर्म संसद बैठ रही है, जो धर्मनाथ पड़वा पलट गया ना, तो मौका गया हाथ से, समझो कि नहीं? चलो ठीक है, चलो। धर्म का इतना अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज तो निर्णय हो करके रहेगा, आज जवाब देना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं आप? जवाब दीजिए पंडित जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मनमानी है क्या? मजाक बना रखा है आप लोगों ने। ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाइए। हम 80 की ईंट से ईंट बजा देंगे और एक भी मूर्ति खिसकने नहीं देंगे। हम कैसे मान लें शिव जी सपने में आए? अरे ये क्या बात हुई, शिव जी सपने में क्यों नहीं आ सकते? क्या सबूत है आपके पास कि शिव जी ने सपने में आदेश दिया? अरे अब सपने का सर्टिफिकेट कोई कहां से लाए? ये तो वही बात हुई कि रामलला के जन्म का सर्टिफिकेट लाओ। क्यों तिवारी, 80 को अयोध्या बनाना चाहते हैं आप लोग? और बनाना ही चाहते हैं तो सुनिए आप लोग, क्या था काशी महाशमशान। अरे आप लोग पाणे जी को भी कुछ बोलने देंगे कि नहीं? अरे देवता समान पुरुष को आप लोग मिलकर दबा रहे हैं, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं। ये पांडे जी,
आप क्या कहना चाहते हैं? बचपन से हमने यही सुना है कि वह कण-कण में बसा है। अब उसके कण-कण में बसने का सर्टिफिकेट हम कहां से लाएं? बताइए, वो हवा में है, आग में है, पानी में है। अब आग में पानी में होने का सर्टिफिकेट कहां से लाए भाई हैं? बातें न बनाइए पांडे जी, और सीधी तरह जवाब दीजिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई शिवजी को उठाने की? ए, खबरदार, अगर किसी ने पांडे जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। हाँ, अरे हर दिन घाट पर रोज सुबह सैकड़ों लोग महादेव की मूर्ति बनाते हैं गंगा की माटी से, पार्थिव महादेव, उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद उसको गंगा जी में बहा देते हैं। उनसे किसी ने आज तक सर्टिफिकेट मांगा है क्या? हाँ? अरे ये हमरे और शिव जी के बीच की बात है, आप लोग कहाँ से बीच में आ गए? सपना हम देखे हैं, आप लोग तो नहीं देखे ना। काशी का कंकर कंकर शिव शंकर, काशी महादेव को छोड़कर कुछ है क्या? अब इसका प्रमाण पत्र कहाँ से लाए? सर्व खलदम ब्रह्म, अरे पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो शिव ही तो है, अब कौन भोसड़ेगा उसका प्रमाण पत्र लेके आएगा? हर हर महादेव, हर हर, हर, हर महादेव, हर हर। आइए आइए, सब ठीक हो गया, आइए। अखंड हरि कीर्तन है जी, अखंड रामचरित मानस का पाठ है जी, 9 दिन तक चलेगा, हाँ यज्ञ है। राधे श्याम, देख रहे हो 80 के पंडों का पाखंड? अब बताओ इन पंडे पुरोहितों का पुतला कौन जलाएगा? हम जलाएंगे और उनकी अर्थी भी निकालेंगे, पर आप खुशियां मनाइएगा क्योंकि आज 80 ढह गया। जो किसी से नहीं हारा वो आज जिंदगी से हार गया। अरे भोसड़ी के SP मिश्रा, आज 80 का काशी की आत्मा का अपहरण हो गया, अब कौन सी भ्रोती दे उसे छुड़ाओगे? दुनिया के बाजार में खड़ा तुम्हारा 80 बिक रहा है, खुशियां मनाओ। हे पप्पू, सबको हमारी तरफ से 80 की 13वीं की चाय पिला।
भोक्षितिम किम न करोति पापम। फूका आदमी क्या पाप नहीं करता, यही पढ़ा है हमने। और चार दिन अपने डर से नहीं लड़ पाया हूं, हमसे क्या हो गया समुद्री, जो आधे सदियों तक हमलों से, हथियारों से, बदली हवाओं से नहीं हारे, वो आज छोटी छोटी जरूरत से, लालच से, चंद रुपयों से हार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हम अपने ही मंदिर, अपनी ही मस्जिद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। हमने अपने ही बाबा को अपने घर से निकाल दिया, जैसे काशी में अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर भाग जाता है, वैसे ही हमने अपने बाबा से धोखा किया। हम कहां से कहां आगे सावित्री, कहां से कहां आगे। हमने कभी कुछ पाने के लिए रामचरितमानस का पाठ नहीं किया, हमें तो मानस में जिंदगी से लड़ने की ताकत मिलती है, इसलिए हम उसे बार बार पढ़ते हैं। हमने कभी राम जी से प्रार्थना नहीं की कि दुखों से मुसीबतों से हमारी रक्षा करना, पर हाँ हमने हमेशा उनसे ये कहा कि दुखों से मुसीबतों से लड़ने की हमें शक्ति देना। देखना पांडे जी, हम इस संकट से भी लड़ेंगे। ओम नमः शिवाय। अरे तिवारी, हाँ ये पाणे कहाँ गया?
नदी की धारा की तरह जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। पांडे जी, थोड़ा चंदन मिलेगा? जितना चाहिए ले लो भाई, सब महादेव का है। पांडे जी और बहुरूपिया अब साथी हैं। सावित्री और मादलेन अब सखियां हैं। मादलेन अब पांडे परिवार का हिस्सा है। कन्नी गुरु 80 को अमेरिका बनाने में देश के बड़े बड़े गुरुओं का साथ दे रहा है, जिनके लिए देश और विश्व बाजार है और लोग कंज्यूमर हैं। बाबा का योगाश्रम और योगा चैनल चल रहा है। सोने का गहना है, रोज रोज पहनने की चीज नहीं है। साल में एक आदेश लोकतंत्र का ऑक्सीजन है कोई ऐसा मुल्क जहाँ लोकतंत्र है और भ्रष्टाचार नहीं? भाई भतीजा भांजा भूत भांड भूमि। बहू की दुकान के बैठक बाद बहसों में उलझे हैं और सिखा भी रही है। बदल रहे मूल्यों के इस दौर में पांडे परिवार जो सच है, शिव है, सुंदर है, उसे बचाए रखने की कोशिश में है।
अपने बाप कहीं मंत्र जाप कोई राज रो कोई तन का ताप पानी में बहाने आया है कोई धोनी रामाने पानी में बहाने आया है कोई धोनी रामाने आया है हर हर महादेव बिकता है हर हर महादेव बिकता है जब घाट पे आकर घाट लगे हरि बोल बोल हरि सुनते हैं हरि बोल बोल हरि सुनते हैं जब पीठ से जाकर खाट लगे क्यों कन्नी काट के जाती हो